हेलो किड्स, वेलकम टू न्यूरो ट्यूटर्स। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, हम लोग 1.3 कर चुके हैं जिसमें आपका क्रैमर्स रूल था। अभी नेक्स्ट इज योर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। इस एक्सरसाइज में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड जो था वो हम लोग 1.1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं 1.4 से। अभी जब मैं सब्स्टिट्यूशन बोलता हूँ कि मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमें क्यों करना पड़ रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे देखो, इससे पहले जो हमने सारे इक्वेशन देखे हैं उस तरह, वो किस तरह के इक्वेशन थे, 2x + 3y = 10। तो जो इक्वेशन थे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे थे, राइट। लेकिन ये इक्वेशन देखो, जो वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, राइट। और डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसका मतलब ये है कि ये लीनियर इक्वेशन है नहीं ऑलरेडी। तो आपको करना क्या पड़ता है, पहले आप सब्स्टिट्यूट करते हो इसे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो। और एक बार ये जब ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, फिर आप उसे जो नॉर्मल हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हमारा पहला जो नॉर्मल स्टेप था, स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहले आप नेमिंग कर देते हो 2x - 3/y = 15। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे 8x + 5y = 77, ये हो जाता था आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन नंबर दे दिया। अब देखने वाली बात ये है कि मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, अब सब्स्टिट्यूट क्या करूँगा वो देखना पड़ेगा। अब इन दोनों ही इक्वेशन को जब आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ देख रहा है, 1/x यहाँ पे है और ये वाली इक्वेशन में 1/x है, ये वाली इक्वेशन में 1/y है और ये वाली इक्वेशन में 1/y है। जब दोनों ही इक्वेशन में 1/x और 1/y है, तो क्यों ना मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूँ इन दोनों के जगह पे, जिसके वजह से हमारा जो इक्वेशन है वो नॉर्मल दिखाई देने लग जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 1/x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ m, और 1/y की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ n, इन दोनों ही इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, सो लिखो आप सब्स्टिट्यूटिंग 1/x = m एंड 1/y = n इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों ही इक्वेशन में मैंने क्या किया कि 1/x को m पुट कर दिया, 1/y को n पुट कर दिया। तब होता है क्या, 1/x से जगह पे चला था आपका m, दैट मेक्स व्हाट, यहाँ पे 1/x था, जगह पे m आ गया, तो क्या बन जाएगा 2m। माइनस साइन एज इट इज, 1/y के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है n, तो यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा और 1/y के जगह पे आ जाएगा आपका n, और इक्वल टू के सिर्फ 15 जो है वो तो एज इट इज रहेगा। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से सेकेंड वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8m + 5n = 77। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4। अब जब जाकर के आप इन दोनों इक्वेशन को देखते हो, तो वो याद है फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे सम थे कुछ इस तरह के जो कुछ सम्स थे, उसके हिसाब में बन गया। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होगा कि आप कोई भी एक वेरिएबल को सेम कर लो, या फिर 2m 8m, क्या ये सेम है, नहीं है। 3n 5n, क्या ये सेम है, नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना सकते हैं, और सेम बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे m को सेम कर लेता हूँ। m कैसे सेम होगा, यहाँ पे 2m है, मुझे क्या करना है, इसको 8m बनाना है। तो अगर मैं ये वाली इक्वेशन में क्या कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 2 8m हो जाएगा, और 8m हो जाने के बाद मैं उसे क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है, 3 में मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 क्या होगा, सारे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8m माइनस एन एज इट इज, 4 3 12n = और 4 15 हो जाता है आपका 60। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5। अब करना क्या है हम लोगों, ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 के साथ हमें एलिमिनेशन करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो भी वेरिएबल सेम है, 8m 8m सेम है, क्या करना है हम लोगों को, साइन देखनी है, साइन क्या है दोनों का, सेम है, साइन सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, राइट, 8m + 5n = 77, और फिर माइनस कर रहे हो आप, और नीचे वाली इक्वेशन लिख दो 8m - 12n = 60। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करते टाइम पे क्या होगा, बार बार मैं यही बताता हूँ, नीचे वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस 8m माइनस 8m कैंसिल, प्लस दोनों ही प्लस है, प्लस प्लस, ओके, 5 + 12 कितना हो जाता है तुम्हारा 17n, और 77 में से 60 चला गया तो कितना बचता है 17। इसके थ्रू आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, n मल्टीप्लीकेशन 17 मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो डिवीजन,
ओके 17 वन जा 17 वन जा, तो आपको n की वैल्यू मिल गई इसके यहाँ से। n की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1। नाउ ये n की जो हमारी वैल्यू है हम लोग किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आप इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, लेकिन यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू 1 की पुट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास तो इक्वेशन में n है ही नहीं, ओके। तो ध्यान रखना है कि हम इसे 1 और 2 में पुट नहीं कर सकते, हमें या फिर इनमें 3 या फिर 4 या फिर 5 इन इक्वेशंस में इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो मैं करता हूँ n की वैल्यू जो 1 है वो मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। सो लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या था आपका, 2m-3n = 15, ठीक है। तो लिख लो उसे, दैट इज व्हाट, 2m-3n = 15 लिख लिया आपने इक्वेशन नंबर 4। अब जहाँ पे n है, ठीक है, n की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2m-3n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 = 15। देयरफॉर 2m एज इट इज -3 × 3 = 15। -3 उस तरफ भेज दो, 2m = -3 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +3 15 +3, ओके। दिस गिव्स यू व्हाट, 2m + 15 + 3 कितना हो जाता है तुम्हारा, 18। और फिर मुझे 2 की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो मैं कर दूंगा उसको वहाँ पे भेज दूंगा, दैट विल गो टू दैट साइड एंड बिकम डिवाइड, ठीक है। अभी 2 को 18 से डिवाइड करो, 2 1 जा 9 जा, देयरफॉर m की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 9, ओके। तो हमने m और n की वैल्यू ढूंढ ली है, m की वैल्यू 9 मिल गई, n की वैल्यू 1 मिल गई। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को ध्यान देते हैं तो हम लोग क्या समझ में आता है कि हाँ इक्वेशन तो x और y के फॉर्मेट में था, तो मैं m और n की वैल्यू निकाल के क्या कर लूँगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था उस टाइम पे, अब क्या करोगे आप, रीसब्स्टिट्यूट करोगे, ओके। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू जो हम क्या कर देंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओके। हमने क्या रखी हुई थी वैल्यू, 1/x की वैल्यू थी m और 1/y की वैल्यू थी n, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं, 1/x m का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 9, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 1, राइट। अब इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, हमने इनवर्टेंडो पढ़ा हुआ है, इनवर्टेंडो में क्या होता है, फ्रैक्शन जो है वो अपसाइड डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, बाय इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो करा हमने, क्या हो जाएगा, 1/x का क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल बिकम x/1, यानी क्या होता है, x ही होता है, और यहाँ पे 9 जो है वो ऊपर नीचे आ जाएगा, तो इससे में इन्वर्जन हो जाएगा, इट विल बिकम 1/9। और सिमिलरली इस वाले केस में क्या हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1/1 दैट इज अगेन 1, तो यानी कि हम लोग को सोल्यूशन मिल गया। आंसर क्या है आपका, आप लिख सकते हो x, y इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू मिली आपको 1/9 और y की मिली 1 is solution। So kids, let's start with the sum number 2। और ध्यान में रखना ये सारे सम्स जो हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, ठीक है, और एग्जाम्स में आ भी गए तो आपको 3 मार्क्स से कम के लिए आएंगे नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये वाले में भी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो दोनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, अरे हाँ यार ये वाली इक्वेशन में 1/x + y है और ये वाले में भी 1/x + y है, ठीक है। तो हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, दोनों की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, m पुट कर सकता हूँ, राइट। और इन सिमिलर वे यहाँ पे जब आप देखो, यहाँ पे भी x - y है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/x - y है, तो मैं कह सकता हूँ दोनों की जगह पे n पुट कर सकता हूँ, राइट। और जब मैं दोनों की जगह पे पुट कर लूँगा तो फिर मुझे जो नया इक्वेशन मिलेगा वो क्या रहेगा, मेरा सिंप्लीफाइड इक्वेशन, जिसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप नेमिंग कर लो, 10/x + y + 2/x - y = 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 15/x + y - 5/x - y = 2 इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने जैसे बताया सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो सब्स्टिट्यूटिंग 1/x + y = m एंड 1/x - y = n, वो कहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या होगा, क्या होगा, इसकी जगह पे क्या जाएगा m और इसकी जगह पे क्या जाएगा n, तो चलो पुट लिख लेते हैं उसको हम। तो क्या बन जाएगा ये आपका, इट विल गिव यू 10m + 2n = 4 इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे ये वाला क्या बन जाएगा, 15m, ठीक है, 15m - 5n = -2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अभी हमारा जनरल फॉर्म में आ चुका है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो क्या कोई भी एक वेरिएबल सेम है,
अरे भैया यहाँ पे तो 10 mm है, ये 15 mm है, ये 2 है और यहाँ पे 5 है, तो क्या कोई चांस है यहाँ पे एलिमिनेशन डायरेक्ट करने का? नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल को पहले हम सेम बनाएंगे। अब सेम कैसे बना सकते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो अगर देखो आप इसको, अगर मैं 10 बनाने जाऊँ, 10 पॉसिबल इसको बना पाना, ठीक है, कि अगर मैं इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 5 से क्या हो जाएगा 10, और ये वाले को मैं 10 बना सकता हूँ, हाँ इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 5 से क्या हो जाएगा 10, तो वही करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर बाय 5 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या कर लो, दोनों इक्वेशन में 3 और 4 में क्या कर लो, 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये वाली इक्वेशन में जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सारा इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल गिव यू व्हाट, 5 10 कितना हो जाएगा आपका 50 mm, ठीक है, फिर प्लस साइन एज इट इज, फिर 5 2 कितना हो जाएगा 10 mm इज इक्वल टू, ठीक है, फिर 5 4 इज हाउ मच 20, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। वैसे ही ये वाली इक्वेशन में आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 15 कितना हो जाता है आपका 30 mm, माइनस एन एज इट इज, 2 5 कितना 10 mm, और यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन साइन किसका, माइनस का, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 6। अब दोनों हो गया हमारा, ये वाला देखो एन वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया आपका सेम हो गया, राइट। अभी साइन देखेंगे, साइन क्या डिफरेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं अभी एडिशन, ठीक है, अभी एडिंग इक्वेशन 5 and 6 ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को। अब ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देखो 50 mm प्लस 10 mm इज इक्वल टू 20 प्लस 30 mm माइनस 10 mm इज इक्वल टू माइनस 4, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज होता है, नहीं होता, ठीक है। अब जो कैंसिलेशन वाला पार्ट है उसको कैंसिल कर लो, प्लस 10 mm माइनस 10 mm कैंसिल, 30 और 50 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में 80 mm, और यहाँ पे 20 माइनस 4 इज हाउ मच 16, ठीक है, 16 आ गया, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, 80 जो है यहाँ पे उसको भेज दो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, उस तरफ जाने के बाद m यहीं पे रहेगा, 16 यहाँ पे था, 80 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था उधर गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा डिवीजन, ठीक है। अब 16 के टेबल में 80 आता है, टेबल पे याद कर लो बच्चों, 16 1 16 5, देखो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू व्हाट, 1/5, ओके, m की वैल्यू मिल गई 1/5, हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं, चलो किसी भी इक्वेशन में, पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन, कौन से वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो, 3 इक्वेशन क्या है, 10 mm प्लस 2 n इज इक्वल टू 4, यही था, चेक कर लेते हैं, 10 mm प्लस 2 n इज इक्वल टू 4, तो पुट कर लिया हमने 10 mm प्लस 2 n इज इक्वल टू 4, ये वाली इक्वेशन में m की जगह 1/5 पुट कर लो, देयरफॉर जहाँ पे अभी m है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 प्लस आपका 2 n इज इक्वल टू व्हाट, 4, कैंसिलेशन कर लो, 5 1 5 2, यानी क्या बचा यहाँ पे, 2 1 2 प्लस 2 n इज इक्वल टू व्हाट, 4, अभी प्लस 2 है उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस 2, देयरफॉर 4 माइनस 2, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, अब कैंसिल कर लो, 1 1 n की वैल्यू क्या मिल गई, 1, सो हमने ढूंढ लिया m और n का वैल्यू, लेकिन क्या हम लोग को m और n की वैल्यू की जरूरत थी, नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x और y की, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, अब क्या करेंगे, री सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n, ठीक है। अब m और n की वैल्यूज क्या थी, देखो हमने क्या पुट किया था m की जगह पे, 1/x + y और n की जगह पे 1/x - y, तो चलो रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/x + y इज इक्वल टू m और यहाँ पे 1/x - y इज इक्वल टू n, तो हमें m की वैल्यू क्या मिली है, पुट करो m की जगह पे हमें क्या मिला हुआ है, देखो 1/5, तो इसको पुट कर लो 1/5 और यहाँ पे n के जगह पे क्या मिला आपको 1, ठीक है। अब दोनों ही जगह पे हम लोग को अब जब इसे देखने जाए तो हम लोग को पता चलेगा कि ये सॉल्व होने के बाद, यानी m और n की वैल्यू निकालने के बाद हमें फिर से दो इक्वेशन मिल गए, फिर से दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल चुके हैं, इन्हें क्या करना पड़ेगा, इसे फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, तो वही मैं बता रहा था कि ये जो सम्स है काफ़ी लेंदी टाइप के सम्स है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाय इनवर्टेंडो और यहाँ पे भी बाय इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो में क्या हो जाता है अपसाइड डाउन, ये 1/x + y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा x + y और ये 1/5 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 7 और ये वाले में भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - y
और ये इसके नीचे कुछ नहीं था तो वन था, वन ऊपर जाता तो वन ही रहता, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब जाकर के आपको दो इक्वेशन मिले हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी किसके फॉर्मेट में, एक्स और वाई के फॉर्मेट में। अब इनको भी एलिमिनेट करना है और एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ लेनी है। ठीक है, अब एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो कि क्या कोई भी दो वेरिएबल सेम है। यहाँ पे देखो प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, मतलब सॉरी वन है, यहाँ पे वन वाई है, यहाँ पे वन वाई है, यहाँ पे वन एक्स है, यहाँ पे वन एक्स है, तो क्या कर सकते हैं, कोई किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो सेम है। तो मैं करता हूँ वाई को एलिमिनेट करने जाता हूँ, वाई को एलिमिनेट करने क्या करूँगा मैं, एडिंग करूँगा। सो एडिंग इक्वेशन 7 and 8, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ऐड करना है एडिंग इक्वेशन। तो क्या था तुम्हारा, 7 था आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 7 ये था, और प्लस कर रहे हो आप किससे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये था आपका इक्वेशन नंबर 8। क्या ये राइट है, इसको चेक कर लेते हैं, नहीं 8 नहीं था, यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका दोनों इक्वेशन है 7 और 8। ठीक है, तो चलो अब इसको ऐड कर रहे हैं, एडिशन के टाइम पे क्या होगा आपका, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, अब ऐड कर रहे हो x प्लस एक्स कितना हो जाता है 2x, और 5 प्लस 1 कितना हो जाता है आपका 6, यानी देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, तो 2 वन ज़ा 2 थ्री ज़ा, x की वैल्यू कितनी मिल गई आप लोगों को 3। अब x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, क्या कर लो आप, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में पुट कर ले, 7 में पुट कर लो, 7 क्या आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह 3 पुट कर लो, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर देयरफॉर डाल देना। ठीक है, अब प्लस 3 उधर जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, माइनस 3, 5 माइनस 3, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ गया 2, यानी x और y के दोनों की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, आंसर लिख लो आप, x कॉमा वाई इज इक्वल टू व्हाट 3.2 इज सॉल्यूशन। तो ये सब काफ़ी लेंदी है बच्चों, तो हमें ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, राइट, सब्सटीट्यूट करने के बाद उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको एलिमिनेट कर रहे हो, एलिमिनेशन हो जाने के बाद एम और एन की वैल्यू आपको मिल जा रही है, एम और एन की वैल्यू मिलने के बाद आप री सब्सटीट्यूट करते हो, री सब्सटीट्यूशन के बाद हो सकता है कि शायद आपको फिर से दो लीनियर इक्वेशन मिल जाए, और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करके उन दोनों की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम बहुत लेंदी हैं, आएंगे अभी तो 3 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, सो हमें प्रैक्टिस करते रहना, ओके। नाउ कमिंग टू सम नंबर 3, सम नंबर 3 में अब देखना है कि इसमें क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ओके, तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, अच्छा ये वाली इक्वेशन में वी हैव x माइनस 2, ओके 1/x-2, और सेम ये वाली इक्वेशन में भी वी हैव 1/y+3, ठीक है, x माइनस 1/x-2, और यहाँ पे भी है 1/y+3 दोनों में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/x-2 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे m, और 1/y+3 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे n। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन, तो देखते हैं क्या मिलेगा आपको, पहले सबसे पहले तो वही नेमिंग, 27/x-2 प्लस 31y+3 इज इक्वल टू व्हाट 85, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको, फिर नेक्स्ट 31x-2 प्लस 27y+3 इज इक्वल टू व्हाट 89, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, हम लोगों ने जस्ट बताया कि क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सो सब्स्टिट्यूट कर दो आप, सब्स्टिट्यूटिंग 1/x-2 इज इक्वल टू व्हाट m, और 1/y+3 इज इक्वल टू n इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो होगा क्या, अभी इसकी जगह पे 1/x-2 की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, दैट विल गिव व्हाट 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, और उसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब जाकर के वो जनरल फॉर्म में आ गया, जैसे जनरल हम लोग सॉल्व करते हैं उस तरीके से, इसमें डिफरेंस क्या देखने मिल रहा है आपको, देखो कि ये वो टाइप 1 नहीं है, ठीक है, जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते थे ना, वो टाइप 1 का नहीं है, टाइप 2 जो जो क्रिस क्रॉस वाला रहता है ना, देखो m का 27 वेरिएबल कॉन्स्टेंट यहाँ पे, और यहाँ पे ये n का,
ठीक है, उसी की तरह से यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 31 है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे, पहले हम दोनों ही लीनियर इक्वेशन को एक बार ऐड कर ले रहे थे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, फिर जो इक्वेशन जो आ रहा था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आप देख पा रहे हो कि कितना लेंथी है, पहले सब्स्टिट्यूशन है, फिर उसमें एलिमिनेशन का टाइप 2 है, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है, तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे ताकि हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के इक्वेशन को एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एडिंग करेंगे, ओके, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। अब मैं दोनों ही साथ में करके बता रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा सा ईजी पड़े हम लोग को, लेकिन आपको अलग अलग ही करना है। फिर यहाँ पे एक बार एडिंग कर दिया दोनों इक्वेशन को, फिर दूसरी तरफ कर लो आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from 3। तो इस तरफ मैं ऐड करता हूँ, इस तरफ मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि ये वाले को हम लोग क्या करना पड़ता है, एक बार ऐड करना पड़ता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, और यहाँ पे 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, दोनों इक्वेशन लिख लिया। दोनों क्या करना है आपको, ऐड करना है, तो ऐडिंग के टाइम पे साइन चेंज तो नहीं होता, ठीक है। तो ऐड कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, 7 plus 1 8, 2 plus 3 5, कितना हो गया 58m। उसी तरह से ये दो भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 58n, और इन दोनों को ऐड कर लो, दैट गिव्स यू व्हाट, 174, ठीक है। अब ये इक्वेशन मिल गया, अभी हमें करना क्या है, हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 58 है, यहाँ पे भी 58 है, ठीक है। ऐसे वाले केसेस में आपको क्या करना था, कॉमन लो या फिर डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 58 कर दो। तो हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 58, पूरे इक्वेशन को ही हम लोग 58 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 58/58 हो जाएगा आपका 1, जो कि होता है m, यहाँ पे 58/58 क्या हो जाएगा आपका n, और यहाँ पे 58 को जब आप करते हो डिवाइड करते हो 174 को 58 से, तो आपको यहाँ पे मिलता है 3, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे साइड में करके ऐसे देख सकते हो, 174 को 58 से डिवाइड करके, राइट, इट विल गिव यू व्हाट, 2 ज़ा 9 ज़ा, सिमिलर वे में 8 ज़ा 7 ज़ा, 29 1 ज़ा और 29 3 ज़ा, ठीक है। यानी कि m प्लस n का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम लोग 5। अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस। तो फिर कर लेते हैं, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, और यहाँ पे माइनस 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो क्या साइन तो चेंज होगा हमारा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। इसके थ्रू क्या मिलेगा देखो, 27 माइनस 31 कितना हो जाता है, 31 माइनस 27 होगा तुम्हारा 4m, लेकिन साइन किसका, माइनस का। अभी 31 माइनस 27 हाँ, तो फिर से होगा तुम्हारा 4n, लेकिन साइन किसका, इस बार बड़ा तुम्हारा प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। और वैसे ही 85 माइनस 85 और ये माइनस 89, 89 माइनस 85 कितना होता है तुम्हारा, 4 होता है, लेकिन साइन किसका, माइनस का। अभी क्या कर लो आप, चारों में तीनों में आपको 4 4 4 दिखाई दे रहा है, हम लोग कर लेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, 4 को डिवाइड 4 से डिवाइड कर देते हैं, दिस विल गिव यू व्हाट, जहाँ जहाँ पे 4 है 4 डिवाइड होगी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 4 प्लस n इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब इसको इक्वेशन नंबर मिल गया हम लोग को 5 और 6, हमें इक्वेशन मिल चुका है। अभी क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व करना है, एलिमिनेट करना है, और फिर और m और n की वैल्यू ढूंढ करके निकालनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो क्या कोई भी एक वेरिएबल सेम है, हाँ सर, यहाँ पे m भी है, यहाँ पे m है, 1 1 है और n n दोनों सेम है, तो क्या कर लेता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ ताकि m मेरा एलिमिनेट हो जाए, एडिंग इक्वेशन 5 and इक्वेशन 6 दोनों का ऐड कर लो, दिस विल गिव यू व्हाट, m प्लस n इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -1। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्लस m माइनस m कैंसिल, n प्लस n 2n हो जाएगा आपका, और 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, देयरफॉर n जो है वो 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में वहाँ पे गया तो डिवाइड, 2 by 2 is 1, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1, ठीक है। अब पुट कर लो n की वैल्यू, इसके अंदर पुट कर देते हैं, ओके। सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था वो आपका 5, ठीक है। अब इक्वेशन 5 क्या था, m प्लस n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू मिल गई आपको n, 1 पुट कर दो, क्या मिल जाएगा,
m plus 1 is equal to 3, therefore m की value कितनी हो गई, 3 minus 1, therefore m की value कितनी आ गई आपको, 2, यानी m और n की दोनों की value आपने निकाल ली है, m का value 2, n का value 1, लेकिन actually हमें किसकी value ढूंढनी थी, x और y के, तो x और y की value ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, resubstituting, क्या करने वाले हैं, resubstituting values of m and n, ठीक है, तो अभी चेक कर लो कि हमने m और n के लिए वैल्यू क्या रखी हुई थी, 1 upon x minus 2 के लिए हमने रखा था m, और 1 upon y plus 3 के लिए रखा था हमने n, ठीक है, तो 1 upon x minus 2 is equal to m, and 1 upon y plus 3 is equal to n, ये वैल्यूज हमने रखी हुई थी, ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, now, m के जगह पे मिला है, जो वैल्यूज मिली है हमें वो पुट कर लो, that is what, x minus 2, m का क्या मिला आपको, 2, और y 1 upon y plus 3 n का क्या मिला आपको 1, ठीक है, तो अभी भी answer solve नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग इसको simplify करने के बाद हमें और दो linear equation मिलने वाला है जिसको हम लोग या फिर substitution से या फिर elimination से solve करके values find out करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कर लो 1 upon x minus 2 is equal to, अभी क्या करते हो, invert into करने आता है by, तो ऑब्वियसली इस बार तो नहीं आने वाला आपका एलिमिनेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, इनवर्ट एंड करो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 2, ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, और वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 3, और इसका इन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को मिलने वाला है 1, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 को इस तरफ भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे जा करके, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे y का जो वैल्यू है, प्लस 3, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 है, तो अभी 1 माइनस 3 कितना हो जाता है, 3 माइनस 1 आपका हो जाएगा 2, लेकिन साइन किसका, माइनस का, ठीक है, तो आपको y की वैल्यू मिल गई, माइनस 2, उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस 4 को उस तरफ भेज दो, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 प्लस 4, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाता है आपका 5, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 5 अपॉन 2, यानी कि दोनों का सोल्यूशन मिल गया, x की वैल्यू मिली आपको 5 बाई 2, y का वैल्यू मिला आपको माइनस 2, आंसर लिख लेंगे, दैट इज वॉट x कॉमा वाई इज इक्वल टू वॉट 5 बाई 2 और माइनस 2 is solution. Now let's have a look at the final sum at the fourth sum of the exercise 1.4. ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इस वाले सम में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो अभी और लेंथी से सम है, देखने के लिए आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम इसको ध्यान से देखें तो पता चलेगा, हाँ यहाँ पे 1 अपॉन 3x प्लस वाई है, और यहाँ पे भी 1 अपॉन 3x प्लस वाई अवेलेबल है. हाँ, साथ में डिनोमिनेटर में 2 भी है, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन 3x प्लस वाई भी साथ में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका 1 अपॉन 3x माइनस वाई है, और साथ ही साथ 1 अपॉन 3x माइनस वाई दोनों में ही अवेलेबल है. तो अब करना क्या है, डायरेक्टली स्टार्ट करो. सबसे पहले नेमिंग कर लेंगे, दैट इज व्हाट 3x 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इज योर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, सेकंड वाले के साथ भी वैसे ही करेंगे. दैट इज व्हाट 2 द ब्रैकेट ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8. माइनस को ध्यान देना, ठीक है, उसे भूलना नहीं है. ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, जो मैंने जैसे मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, देखो ये वाला पार्ट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू m, और सेकेंडली यहां पे क्या कर रहे हैं, एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सॉरी n इन इक्वेशन कौन सा इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो अभी होगा क्या, देखो ये पूरे की जगह पे आ जाएगा आपका m, ये पूरे जगह पे आ जाएगा आपका n. दिस विल गिव यू व्हाट, m प्लस n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे वाले इक्वेशन में आपका क्या होगा, देखो इस पूरे वाले पार्ट के जगह पे आपका m आ रहा है, तो दैट विल बिकम m, और नीचे 2 रह जा रहा है. आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 जो है वो एक्स्ट्रा नीचे रह जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो उसको रख लो 2, फिर माइनस साइन एज इट इज, फिर 1 सॉरी फिर इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, n पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n, और नीचे जो है वो 2 रह जा रहा था 2 एज इट इज,
और फिर आगे आपका माइनस वन अपॉन एट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर। ठीक है, अभी इस वाले सम में हम लोग क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शन क्योंकि थोड़ा फ्रैक्शन हमें डिफिकल्टी देता है सॉल्व करने में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस पूरे वाले इक्वेशन में अगर मैं फोर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये फोर वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, और इस पूरे इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, एट। तो अगर मैं इसमें एट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से एट और ये बाकी सारे डिनोमिनेटर्स भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट, मल्टीप्लाइंग by 4 in equation 3 and by 8 in equation 4। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई, ये वाले इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे सारे जहां जहां पे 4 है, जहां जहां पे नंबर्स नहीं है वहां पे 4 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 4 इंटू एम गिवज यू वॉट 4m, प्लस साइन एज इट इज, 4 इंटू एन गिवज यू वॉट 4n, और यहाँ पे देखो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और ये वाले पार्ट में मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी 8 से मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 8 से, यहाँ पे भी 8 से। तो देखो अगर मैं सिंपल वे में अगर यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 1 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4m, फिर माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 4 कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4n, और यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 कैंसिल, और क्या मिलने वाला आपको माइनस 1, ये हो जाएगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब जाकर के ये जो हमारा जो जो इक्वेशंस है वो सिंपल जो बेसिक फॉर्मेट जिससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं उस फॉर्मेट में आ चुका है। तो अब करना क्या आप लोगों को, इसे एलिमिनेट करना है, तो किसे एलिमिनेट करना है, जो हाँ यहाँ पे m भी सेम है और n भी सेम है, तो मैं क्या करता हूँ n को एलिमिनेट कर देता हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, दोनों इक्वेशन 5 और 6 को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, दिस विल गिव यू व्हाट, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 प्लस 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1। ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज होने वाले नहीं है, प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल, 4m प्लस 4n कितना हो जाएगा 8m, और 3 माइनस 1 कितना होता है आपका 2, देयरफॉर अभी m की वैल्यू चाहिए तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उसको उस तरफ भेज दो, दैट विल बिकम वॉट डिविजन, 2 1 2 4, यानी m की वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज वॉट m इज इक्वल टू 1/4, m की वैल्यू आ गई आपको 1/4। अब लोग क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर लेंगे, तो क्या करते हैं कौन से वाले में पुट करें, चलो इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लेते हैं, पुट 1/4, पुट m इज इक्वल टू जो वैल्यू है उसको, पुट m इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 5, फिफ्थ इक्वेशन तो था आपका 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, क्रॉस चेक कर लो क्या यही इक्वेशन था, यही था, ठीक है पुट कर लो, इसमें m के जगह पे क्या आ जाएगा आपका 1/4, दैट गिव्स यू व्हाट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू व्हाट 3, 4 कैंसिल, दिस विल गिव यू व्हाट, 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 1 को उस तरफ भेज दो, क्या बचेगा 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 1 था उधर जाके माइनस 1 हो गया, राइट, 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज हाउ मच 2, और अब मुझे n की वैल्यू चाहिए तो मैं 4 को या जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है उसको उस तरफ भेज दूंगा, वो जाके क्या हो जाएगा डिविजन, 2 1 2 2, n की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1/2। ठीक है, अब आपको m और n दोनों की वैल्यू मिल गई, मैंने बोला है कि जब भी आपको m और n की वैल्यू मिल जाए तो आप क्या करोगे, रीसब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n, m और n की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो, अभी m की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया था याद आ रहा है आप लोगों को, चलो देख लो क्या पुट किया था, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू m, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू n, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू m, एंड और क्या पुट किया था, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू n, ये पुट किया हुआ था, अभी हम लोग को वैल्यूज मिल गई है तो चलो फिल कर देते हैं, m की वैल्यू मिली है, क्या मिली है m की वैल्यू आपको, 1/4 मिली थी, तो m की जगह पे लिख लो आप 1/4, और n के जगह पे आप लोग लिख लो, n की जगह पे क्या वैल्यू मिली आपकी 1/2। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली क्या कर देते हैं, बाय इनवर्टेंडो, यहां पे भी बाय इनवर्टेंडो,
तो इनवर्ट इंटो करने के बाद क्या हो जाता है, फ्रैक्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो दिस विल गो अप एंड इट विल बिकम 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 4, अपॉन में 1 है दोनों के, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। और सेकेंड वाला क्या है आपका, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये भी इनवर्ट इंटो होगा, ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अभी लास्ट इक्वेशन क्या दिया था हम लोगों ने, 6 दिया हुआ था, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 7 और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 8। अच्छा, इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद फिर से हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं, अभी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को भी हमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा और फिर x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एलिमिनेशन के मेथड के लिए फिर से स्टेप्स याद है हमें, कोई भी एक वेरिएबल सेम करो, अच्छा ये 3x है, 3x है, y है, दोनों सेम है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, y को एलिमिनेट करने जाते हैं, राइट, क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई, मुझे प्लस माइनस वाई थोड़ा इजी पड़ता है क्योंकि हम लोग एडिशन कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, दिस गिव्स यू व्हाट, लिखो क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और प्लस कर रहे हो आप किसके साथ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के साथ, ठीक है। अब ऐड कर रहे हो तो साइन चेंज होने वाले नहीं है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका 6x, ठीक है, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, अभी ऑब्वियसली ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उसके उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो उससे आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखिए x इज इक्वल टू व्हाट, 6 पहले से था 6 और यहाँ से 6 चला गया, 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 वन जा 6 वन जा, x की वैल्यू क्या मिल गया आपको 1, अब पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर लो, दैट इज व्हाट, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्या था इक्वेशन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, पुट कर लो, x की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 3, x की जगह पे 1, y एज इट इज इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा 3 वन जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, अब ये प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3, दैट इज 4 माइनस 3, और y का आंसर क्या मिल जाता है 4 माइनस 3 करने पे 1, यानी दोनों के ही वैल्यू आपको क्या आ गए, x का वैल्यू भी 1 आ गया और y का वैल्यू भी 1 आ गया, तो इसके लिए आप आंसर लिख लोगे, आंसर क्या है आपका x कॉमा वाई इज इक्वल टू, दैट इज x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.4, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके बाद वाला एक्सरसाइज जो कि वो एप्लीकेशन बेस्ड है, तो यानी वो कल सॉल्व करेंगे, ओके, चलो थैंक यू सो मच।